हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने हर किरदार को इस तरह निभाया कि वो अमर हो गया और आज भी उन रोल्स को याद किया जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी की आइकॉनिक फिल्म आनंद भी उन्हीं में से एक था। फिल्म में आनंद की भूमिका में नजर आए राजेश खन्ना ने इस किरदार में जान डाल दी और दर्शक इस रोल में किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल के लिए राजेश खन्ना मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। दो दो अभिनेता के मना करने के बाद रोल उनके झोला में गिरा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फिल्म आनंद में राजेश खन्ना को काम करने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले दो महारथी यानी दो महान अभिनेता मना कर चुका और उसके बाद राजेश खन्ना को फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला। 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई फिल्म आनंद को दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स का भी भरपूर प्यार मिला और इस फिल्म में राजेश खन्ना को बेहद पसंद किया गया। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के लिए राज कपूर को साइन करना चाहती थी। उन्होंने राज कपूर को ध्यान में रखकर ही इस रोल को लिखा था। हालांकि अपनी सेहत को हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मेरा सेहत ठीक ठाक नहीं है और इस फिल्म में काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। ऋषिकेश राज कपूर की हालत से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उनके इनकार को स्वीकार किया और फिर इस रोल की पेशकश छोटे भाई शशि कपूर साहेब को किए। हालांकि शशि कपूर साहेब भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल शशि कपूर साहेब को इस फिल्म में आनंद फिल्म में इस फिल्म का जो कहानी था उन्हें कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। खैर, राज कपूर साहेब और शशि कपूर के मना करने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी साहेब इस फिल्म को लेकर राजेश खन्ना साहेब के पास पहुंचे और उन्होंने साइन किया। राजेश खन्ना साहब एक ही बार में तैयार हो गए। फिल्म में राजेश खन्ना ने अपनी अदाकारी से जान डाल दिए और फिल्म को ऐतिहासिक सफलता मिली। राजेश खन्ना साहब को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट अवार्ड्स भी मिला था। खैर, आपको राजेश खन्ना साहब के बारे में कुछ जानना है या हिंदी सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री किसी के बारे में कुछ जानना है, आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को फिर में सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिल्म आनंद के बारे में क्या कहना है, आपने देखा या नहीं, कमेंट में हाँ ना बताएं जरूर और इस वीडियो को जरूर शेयर।